सब्सक्राइब करें वक्त तक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स डेली हासिल करने के लिए। दोस्तों लैन और वैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों के बारे में हमने कई बार सुना होगा और हम कंफ्यूज रहते होंगे कि यार इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि कनेक्ट तो आपस में कंप्यूटर ही होते हैं, तो हम एक को लैन और एक को वैन क्यों कहते हैं। तो आज आप इस वीडियो के साथ रहे, आज मैं आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है वकील और मैं आपको वक्त एक चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लैन की। तो लैन की फुल फॉर्म यहाँ पे बन के आती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क से ही, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लोकल एरिया, लोकल यानी कि कोई भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया है उसके अंदर जो आपको नेटवर्क मिलता है वो लैन कहलाता है। फर्ज करें अगर आप अपने स्कूल में बैठे हैं और वहां पे आपको देखने को मिलता है लैन, और वहां पे अगर आपको देखने को मिलते हैं कुछ कंप्यूटर्स 5, 7, 10, 15, 20, 30, 100 कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड है वायर्स के थ्रू, इंटरनेट वायर या जो भी वायर्स है वहां पे उनके थ्रू कनेक्टेड है, तो उसे आप लैन कहेंगे, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है, वो कोई दूसरी जगह पे कहीं दूर ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो एक लोकल एरिया में है यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे है, तो उसे हम लैन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड चीज आती है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क मतलब फैला हुआ नेटवर्क, यानी वाइड एरिया फैला हुआ यानी काफी दूर दूर तक गया हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वैन है वो जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की दो बिल्डिंग्स में हो, ये दो सिटीज में भी हो सकता है, दो प्रोविंसेस में भी हो सकता है और दो कंट्रीज के दरमियान भी हो सकता है। यानी फर्ज करें कि अगर एक नेटवर्क एक कंट्री में एक जगह पे है और उसी कंपनी का दूसरा नेटवर्क यानी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे दूसरी कंट्री में है, और दोनों के जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में, उनका लोकल एरिया तो है ही लेकिन वो दोनों आपस में भी कनेक्टेड है, तो उसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये दोनों कंपनीज किस तरह से कनेक्ट हो सकती हैं, यहाँ पे काफी तरीके हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए से, सैटेलाइट्स के थ्रू, वायरलेसली, किसी भी तरह से, अगर वो किसी भी तरह से अगर दो कंपनीज जो दो कंट्रीज में है उनके नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको लैन और वैन दोनों के कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं आती, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं या अगर कोई मसला है तो मैं उसको ठीक कर सकूं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा।